Friends and hello my subscribers, my name is Sameer and it's my channel CAT SSC Concept Samiti. Today, first I would like to tell you about the number of the lectures that we have already covered. Till now we have covered 5 lectures. Those 5 lectures are compiled in 25 videos. This is our 26th video. The video number 1 was about the introduction of the channel. In that we covered what are the module of the videos that we are going to cover, what are the lecture details. If you haven't gone through that, please go through the first introductory video of the channel. From the second video to the 25th video, we have covered 5 lectures. The first lecture was on Get Into Quant. The second lecture was on Divisibility Test. The third lecture was on Get Into Number. The fourth lecture was on simple equations, and the fifth lecture was on ratio, proportions and variations. Now I would like to tell you about the module of the videos. Jo mera pehla lecture tha, that is get into quant, usko main ek video ke andar to khatam nahi kar sakta tha, isliye maine usko 4 videos mein khatam kara hai. Get into quant mein 4 parts hai. Pehla part hai part 1a, dusra hai part 1b, teesra hai part 2a, fourth hai part 2b. सिंस ये पार्ट 1a है और ये पार्ट 1b है, इसका मतलब ये है गेट इनटू क्वांट का मैंने सब टॉपिक दैट इज स्पीड एनहांसमेंट टूल्स एंड ट्रिक्स कवर करा पार्ट 1a में, और पार्ट 1b में मैंने उसको कंटिन्यू करा. सिमिलरली पार्ट 2a में मैंने पजल स्टार्ट करे और पार्ट 2b में मैंने और पजल्स करे. यहां पर आपने देखा वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5 का शेड्यूल ये था, जिसमें मैंने क्वांट 1 लेक्चर जिसका मेन टॉपिक था गेट इनटू क्वांट वो कवर करा 4 पार्ट में, जिसके अंदर मैंने पार्ट 1a, पार्ट 1b, पार्ट 2a एंड पार्ट 2b करे और सब टॉपिक कवर करे स्पीड एनहांसमेंट टूल्स एंड ट्रिक्स 2 वीडियोस के अंदर, इसलिए दूसरी में कंटिन्यू लिख दिया, और पजल्स करे 2 वीडियो के अंदर, इसलिए फोर्थ में मोर पजल्स लिख दिया. उसके बाद मैंने सेकंड लेक्चर को कवर करा 2 वीडियोस के अंदर, दैट इज वीडियो 6 एंड 7. उसका मेन टॉपिक था डिविजिबिलिटी टेस्ट. सो यहां पर मैंने पार्ट का नाम दिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में मैंने कांसेप्ट करे एंड पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चंस करे. फिर मैंने अपना क्वांट 3 लेक्चर स्टार्ट करा और क्वांट 3 लेक्चर को मैंने 6 वीडियोस के अंदर कवर करा, दैट इज फ्रॉम 8 टू 13. क्वांट 3 के लेक्चर का नाम था गेट इनटू नंबर्स, जिसके अंदर पहले पार्ट का नाम था पार्ट 1, पार्ट 2, फिर पार्ट 3a, फिर पार्ट 3b, फिर पार्ट 4a, फिर पार्ट 4b. पार्ट 1 में मैंने गेट इनटू नंबर का कांसेप्ट करा, पार्ट 2 में मैंने गेट इनटू नंबर में HCF एंड LCM पढ़ा, पार्ट 3a में मैंने HCF, LCM एंड डिविजिबिलिटी के मिक्स्ड क्वेश्चन करे, पार्ट 3 के बी पार्ट में मैंने HCF, LCM, डिविजिबिलिटी के मिक्स्ड क्वेश्चन को कंटिन्यू रखा, पार्ट 4a में मैंने m इनटू n डिजिट कांसेप्ट पढ़ा और पार्ट 4b में मैंने m इनटू n डिजिट कांसेप्ट के क्वेश्चंस करे. उसके बाद मैंने अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करा क्वांट 4, जो कि कंपाइल था 9 वीडियोस के अंदर. वो मैंने स्टार्ट करा फ्रॉम वीडियो 14 टू वीडियो 22, जिसमें मैंने अपना मेन टॉपिक सिंपल इक्वेशंस पूरा करा, और इसके 9 पार्ट हैं, पार्ट 1a, पार्ट 1b, पार्ट 2, पार्ट 3a, पार्ट 3b, पार्ट 4a, पार्ट 4b, पार्ट 5a, पार्ट 5b. पार्ट 1a में मैंने सिंपल इक्वेशन के बेसिक कांसेप्ट करे, पार्ट 1b में मैंने उन बेसिक कांसेप्ट को कंटिन्यू रखा, पार्ट 2 में मैंने रिलेशन टाइप क्वेश्चंस करे इक्वेशन के, और पार्ट 3a में मैंने लेवल 1 टाइप क्वेश्चन करे सिंपल इक्वेशन के, पार्ट 3b में मैंने लेवल 1 टाइप क्वेश्चन को कंटिन्यू रखा, पार्ट 4a में मैंने लेवल 2 टाइप क्वेश्चन करे, पार्ट 4b में मैंने लेवल 2 टाइप क्वेश्चन को कंटिन्यू रखा, पार्ट 5a में मैंने लेवल 3 टाइप क्वेश्चन करे एंड पार्ट 5b में मैंने लेवल 3 टाइप क्वेश्चन को कंटिन्यू रखा. फिर आया हमारा लास्ट लेक्चर, जो हमने कवर करा वीडियो 23 से वीडियो 25 तक, जिसका नाम था क्वांट 5 रेशियो प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस. इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा, पार्ट 1, पार्ट 2a, पार्ट 2b. पार्ट 1 में मैंने रेशियोस का कांसेप्ट पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ी और उसके क्वेश्चंस करे. पार्ट 2 के ए पार्ट में मैंने रेशियो पर क्वेश्चंस ज्यादा करे और प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के
कॉन्सेप्ट समझे, और पार्ट टू बी के अंदर मैंने प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस के सिर्फ क्वेश्चंस करे. सो सिंस नाउ यू नो दैट वी हैव कवर्ड 25 वीडियोस इन विच वी हैव कवर्ड 5 लेक्चर्स, टुडे इट्स द वीडियो 26 इन विच वी विल कवर आर न्यू लेक्चर दैट इज कॉन्ट 6 बेस्ड ऑन द मेन टॉपिक परसेंटेजेस. एंड टुडे वी विल कवर इट्स फर्स्ट पार्ट दैट इज फ्रैक्शन कन्वर्जन इन टू परसेंटेजेस. बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर देर आर सम पॉइंट्स दैट हैज टू बी नोट बाय एवरी स्टूडेंट. फर्स्ट, keep a separate register and note down everything side by side. Second, once I write any question, just pause the video and try to solve it at your own on the behalf of the covered concept. Third, after watching the video of any topic, practice the question on that topic from any competitive exam book. Fourth, watch all the lectures in order. Don't break the order, otherwise you will miss out something. It is especially for the newbies, will help them to increase their efficiency while attempting the aptitude questions. And fifth, make sure you go through all the previous lectures. So guys, start karte hain hamara sixth लेक्चर का पार्ट वन. और आपको जो भी पेजेस पर दिख रहा है प्लीज लिखते चलिए और समझते चलिए. सबसे पहले बात करते हैं हम परसेंटेज और उसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. परसेंटेज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस साइन के अंदर. जब भी मैं बात करता हूं परसेंट की तो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं दो पार्ट में, दैट इज पर एंड सेंट. पर मतलब होता है डिवाइड बाय, सेंट मतलब होता है 100. सो बेसिकली इस परसेंटेज को मैं इस परसेंटेज के साइन को लिख सकता हूं डिवाइड बाय 100. देयरफॉर परसेंटेज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100 होता है 1/100. सो बेसिकली मैं लिख सकता हूं परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1/100. सो जब भी मुझे दे रखा होगा 1/100 तो मैं समझ जाऊंगा ये तो परसेंट की बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं x डिवाइड बाय 100, सो मैं लिख सकता हूं x बाय 100. 1/100 होता है परसेंट, सो एक्स बाय 100 को लिख सकता हूं एक्स इंटू 1/100 और 1/100 को लिख सकता हूं परसेंट. देयरफॉर एक्स बाय 100 को लिख सकता हूं एक्स परसेंट. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2/100, सो 2 × 1/100 के अंदर 1/100 को लिख सकता हूं परसेंट, तो 2/100 हो जाएगा 2%. सिंस 2/100 को लिख सकता हूं 2/100, 2/100 को लिख सकता हूं 2%, या फिर 2% को लिख सकता हूं 2/100. सो इससे मैं दो स्टेटमेंट डिराइव कर सकता हूं. जब भी लिखा होगा 2/100, सो वो दो स्टेटमेंट जो डिराइव करके आएगी वो ये होगी कि 2 out of 100, सेकेंड 2 is what percentage of 100. सो जब भी मुझे P/Q की फॉर्म में रेशो गिवन होगा तो मैं उसको इन स्टेटमेंट के अंदर बाइफरकेट कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल 2/100 है, सो मैं लिख सकता हूं 2 out of 100 एंड 2 is what percentage of 100. सिमिलरली जब मैंने परसेंटेज को रिप्रेजेंट करा था 1/100 के टर्म्स में, तो 1/100 भी एक P/Q है, तो इसको भी बाइफरकेट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट. इसलिए मैं यहां पर भी लिख सकता हूं 1/100 का मतलब है 1 out of 100 एंड 1 is what percentage of 100. इसको अब एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं. सपोज करते हैं इन अ टेस्ट यू स्कोर 200 out of 400 और टीचर आपसे कहती है परसेंटेज निकाल लो जितने भी आपने मार्क्स स्कोर करे हैं. तो आप क्या करते हैं, जितने भी आपने मार्क्स स्कोर करे होते हैं डिवाइड कर देते हैं उसको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से. यहाँ पर 200 था आपका गेन मार्क्स और 400 मार्क्स था आपका टोटल मार्क्स. सो आपने 200 / 400 कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से. 200/400 हो गया 1/2, 1/2 × 100 हो गया 50. और आप लिख देते थे कि मेरे 200 आए हैं 400 में से, तो मेरे 50% मार्क्स आए हैं. अब यहां पर बात ये समझने वाली थी कि जो ये था 2/100, इसको मैंने रिप्रेजेंट करा था दो स्टेटमेंट में, एक तो 2 out of 100 और एक तो 2 is what percentage of 100. ये वाले एग्जाम्पल के अंदर मैं देख रहा हूं कि मैंने 200 out of 400 स्कोर करे. ये तो यही फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई 2 out of 100, बस यहां पर 200 out of 400 आया है. तो मैंने यहां पर जो था 2 out of 100 इसको रिप्रेजेंट करा 2/100 में. सो यहां पर 200 out of 400 को भी रिप्रेजेंट करा 200/400 में. परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने इनटू 100 कर दिया और मेरा आंसर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज आ गया. अब हम समझते हैं दूसरे एग्जांपल के थ्रू अपनी सेकेंड स्टेटमेंट 2 is what percentage of 100. सिंस मुझे पता है कि 2 out of 100 को मैं लिख सकता हूं 2/100 एंड 2/100 को मैं लिख सकता हूं 2 is what percentage of 100. देयरफॉर इस एग्जांपल में भी मैं 200 out of 400 को लिख सकता हूं
200 अपॉन 400 एंड 200 अपॉन 400 को लिख सकता हूं. 200 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 400. 200 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 400, इसको मैं इस इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूं. 200 इज मतलब इक्वल टू व्हाट परसेंटेज, x ले लेते हैं x परसेंटेज इनटू 400. सो आ गया मेरे पास 200 इक्वल्स टू x परसेंटेज इनटू 400. हमें निकालना था व्हाट परसेंटेज, सो x परसेंटेज हो जाएगा 200 अपॉन 400. 200 अपॉन 400 को लिख सकता हूं 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 को लिख सकता हूं 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 को लिख सकता हूं 0.5. अब एक काम करते हैं, 0.5 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं 100 से. सो मैंने 100 एंड 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. सो 0.5 इनटू 100 को एक साथ लिख लेते हैं और ये 1 बाय 100 को अलग लिख लेते हैं. सो x परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर सकता हूं 0.5 इनटू 100 इनटू 1 अपॉन 100. 1 अपॉन 100 होता है परसेंटेज का साइन. सो ये 1 अपॉन 100 हो गया एक परसेंटेज का साइन और 0.5 इनटू 100 हो गया मेरा 50. सो x परसेंटेज आया मेरा 50%, वही सेम परसेंटेज जो यहां पर आया था. आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, लर्निंग फ्रैक्शंस और रेसिप्रोकल्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस. सो अब हम याद करेंगे फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परसेंटेजेस में फास्ट कैलकुलेशंस के लिए मुझे फ्रैक्शंस को इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज या फिर परसेंटेज को इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस याद करना पड़ता है. तो बेसिकली फ्रैक्शंस या फिर रेसिप्रोकल्स होते हैं हमारे रैशनल नंबर जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में. तो पहले 1 की बात कर लेते हैं. सिंस मुझे पता है 1 एक रैशनल नंबर है, सो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. देयरफॉर 1 हो जाएगा 1 अपॉन 1. अब 1 अपॉन 1 जो कि एक फ्रैक्शन है या फिर जो कि एक रेसिप्रोकल है, इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 कर दूंगा. सिंस मुझे पता है 1 अपॉन 1 इनटू 100 अपॉन 100 हो जाएगा. इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा न्यूमरेटर 100 इंटू 1 अपॉन 100. इसको मैं ये लिख सकता हूं 100 इंटू 1 अपॉन 100. 1 अपॉन 100 को मैं लिख सकता हूं परसेंट. सो ये हो जाएगा 100%. सो मुझे अब याद रखना है 1, जिसको आप 1 अपॉन 1 भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, सो वो आएगा मेरा 100%. सेकेंड एग्जाम्पल 1 अपॉन 2 की बात करते हैं. 1 अपॉन 2 को परसेंट में कन्वर्ट करना था, इंटू 100 डिवाइड बाय 100 कर देते हैं. 1 अपॉन 2 इंटू 100 हो जाएगा 50 एंड 1 अपॉन 100 को लिख सकता हूं मैं परसेंट. देयरफॉर 50 इंटू 1 अपॉन 100 को मैं लिख सकता हूं 50%. या फिर अब मुझे याद रखना है कि 1 अपॉन 2 होता है मेरा 50%. अभी तक मुझे ये पता था कि 1 अपॉन 1 होता है 100%. 1 अपॉन 2 को मैं 1 इंटू 1 अपॉन 2 भी तो लिख सकता हूं. 1 इंटू 1 अपॉन 2, 1 क्या होता है 100%, ये मैं पढ़ चुका हूं. सो 1 इंटू 1 अपॉन 2 को मैं लिख सकता हूं 100% इंटू 1 अपॉन 2. सो 100% इंटू 1 अपॉन 2 को मैं लिख सकता हूं 50%. इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन 1 या फिर 1 जो था 100%, 1 अपॉन 2 निकालने के लिए मैंने बस 100% को 2 से डिवाइड कर दिया. 1 अपॉन 3 निकालने के लिए मैं 100% को 3 से डिवाइड कर दूंगा. सो 1 अपॉन 3 हो जाएगा 1 इंटू 1 बाय 3. 1 होता क्या है 100%. सो 100% इंटू 1 बाय 3 हो जाएगा 33.33%. सो अब तक मैं ये याद कर चुका हूं कि 1 अपॉन 1 होता है 100%, 1 अपॉन 2 होता है 50%, 1 अपॉन 3 होता है 33.33%. सिमिलरली जब आप निकालेंगे 1 अपॉन 4 तो आप 100% को डिवाइड बाय 4 ही तो करेंगे. एंड मुझे पता है 100% को अगर चार पार्ट में डिवाइड करूंगा तो वो चार पार्ट होंगे 25 के. 25 इंटू 4 होता है 100. सो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 होता है 25%. 1 अपॉन 5 मतलब 100% डिवाइड बाय 5, मतलब 100% को पांच पार्ट में डिवाइड करना था और वो पांच पार्ट होंगे 20 के, बिकॉज 20 इंटू 5 होता है 100. देयरफॉर मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 5 होगा 20%. सिमिलरली 1 अपॉन 6 होगा 16.66%, 1 अपॉन 7 होगा 14.28%, 1 अपॉन 8 होगा 12.50%, 1 अपॉन 9 होगा 11.11%, 1 अपॉन 10 होगा 10% एंड 1 अपॉन 11 होगा 9.09%. सो फ्रेंड्स आपको 1 अपॉन 1 से लेकर 1 अपॉन 11 तक फ्रैक्शंस याद करने हैं. सो यू कैन मेमोराइज, अभी कर सकते हैं. सो प्लीज मेमोराइज देम. अब हम इन्हीं फ्रैक्शन के बेसिस पर
एक मैनिपुलेशन देखेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के। सो गाइस, अगर मैंने कहा 2 अपॉन 3 को परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, सो 2 अपॉन 3 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 तो आपको याद होता है क्या, 33.33%। सो 2 इंटू 1 अपॉन 3 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 33.33%, एंड 2 इंटू 33.33% को लिख सकते हैं 66.66%। सो आपको याद था 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मैनिपुलेशन के थ्रू मुझे पता है कि 2 अपॉन 3 होगा 66.66%। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 3 अपॉन 4 फाइंड करो और परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 3 अपॉन 4 को लिख सकते हो 3 इंटू 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 होता है आपका 25%, सो 3 इंटू 25% हो जाएगा और 3 अपॉन 4 हो जाएगा 75%। अगर मैंने बोला होता 2 अपॉन 5 फाइंड करो, 2 अपॉन 5 को लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 को लिख सकता हूं 20%, सो 2 अपॉन 5 हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 को 20% तो हो जाएगा 2 इंटू 20%, 2 इंटू 20% हो जाएगा आपका 40%, सो आप 2 अपॉन 5 को लिख सकते हैं 40%। 3 अपॉन 5 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 को लिख सकते हैं 20%, सो हो जाएगा 3 इंटू 20%, दैट इज 60%। 4 अपॉन 5 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 को लिख सकते हैं 20%, सो 4 अपॉन 5 हो जाएगा आपका 4 इंटू 20%, एंड 4 इंटू 20% हो जाएगा आपका 80%। सिमिलरली 5 अपॉन 6 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1 बाय 6, 1 बाय 6 को आप लिख सकते हैं 16.66, सो 5 अपॉन 6 हो जाएगा 5 इंटू 16.66%, दैट विल बी इक्वल्स टू 83.33%। थोड़े और कन्वर्जन देखते हैं, 2 अपॉन 7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 7 को लिख सकते हैं 14.28%, सो 2 अपॉन 7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 14.28, दैट विल बी इक्वल्स टू 28.57%। 3 अपॉन 7 को लिख सकते हैं 3 इंटू 14.28%, दैट विल बी इक्वल्स टू 42.85%। 2 अपॉन 8 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 4, सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से 8 को कैंसिल आउट कर दिया, सो 2 अपॉन 8 हो गया 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 को तो मुझे पता ही है क्या लिखते हैं 25%, बिकॉज ये सारे मुझे याद थे, याद मैंने ये सारे करे, मैनिपुलेट अब मैं इसके बेसिस पे सारी कैलकुलेशंस कर रहा हूं। 3 अपॉन 8, ठीक है, 3 इंटू 1 अपॉन 8 लिख सकते हैं, 1 अपॉन 8 होता है आपका 12.50, सो 3 अपॉन 8 को लिख सकते हैं 3 इंटू 12.50%, दैट विल बी इक्वल टू 37.50%। सो अब मुझे ये याद होना चाहिए कि 3 अपॉन 8 होगा मेरा 37.50%। थोड़े से और कन्वर्जन देखते हैं, 1 अपॉन 11 होता है मेरा 9.09%। सो अगर मुझसे पूछा 2 अपॉन 11, सो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन 11, 2 इंटू 1 अपॉन 11 मतलब 2 इंटू 9.09%, सो 2 इंटू 9.09% हो जाएगा मेरा 18.18%। यहां पर मैंने देखा कि मेरा आंसर डबल फॉर्म में आया, पॉइंट के इधर भी 18 है, पॉइंट के राइट साइड में भी 18 है। सो ऐसी परसेंटेज मुझे हमेशा याद रखनी है कि वो आई होगी थ्रू 1 अपॉन 11 के रूट से। सिमिलरली अगर मैं देखूंगा 3 अपॉन 11, सो 3 इंटू 9.09% लिख सकता हूं, जिसको मल्टीप्लाई करके आएगा 27.27%। यहां पर भी डेसिमल के लेफ्ट साइड वाली डिजिट सेम है, डेसिमल की राइट साइड वाली डिजिट्स भी सेम है। सो ये मुझे पता है कि इसका रूट जो फ्रैक्शन से आया है वो होगा 1 अपॉन 11। 4 अपॉन 11 हो जाएगा 4 इंटू 9.09, 36.36%। 5 अपॉन 11 हो जाएगा 5 इंटू 9.09, दैट विल बी इक्वल्स टू 45.45%। सिमिलरली 7 अपॉन 11 हो जाएगा 63.63%, 6 अपॉन 11 हो जाएगा 54.54%, 8 अपॉन 11 हो जाएगा 72.72%, 9 अपॉन 11 हो जाएगा 81.81%, 10 अपॉन 11 हो जाएगा 90.9%। थोड़े और मैनिपुलेशन देखते हैं, 1 अपॉन 9 होता है 11.11%, सो 2 अपॉन 9 हो जाएगा 2 इंटू 11.11%, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 11.11 क्या हो जाएगा 22.22%, सो मैं 2 अपॉन 9 को लिख सकता हूं 22.22%। यहां पर मैंने देखा कि पॉइंट के लेफ्ट वाली डिजिट सेम है, पॉइंट के राइट वाली डिजिट भी सेम है, 22 यहां पर भी है, 22 यहां पर भी है। सो ऐसी कैलकुलेशन के अंदर अगर मुझे पता करना होगा कि ये कौन से रूट से आया है, सो मैं बता सकता हूं ये तो 1 अपॉन 9 से आया है, बिकॉज 2 अपॉन 9 में 1 अपॉन 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 1 अपॉन 9 तो परसेंट में होता है 11.11, सो 2 अपॉन 9 हो जाएगा 22.22।
सिमिलरली 3/9 हो जाएगा 33.33, 4/9 हो जाएगा 44.44, 5/9 हो जाएगा 55.55, 6/9 हो जाएगा 66.66%, 8/9 हो जाएगा 88.88%। गाइज आप 1/1 से 1/11 के साथ एक और ऐड कर लीजिए 1/12। इसके अंदर क्या करा है, मैंने 100% को डिवाइड कर दिया 12 से, सो 8.33% आ गया। अब मुझे याद है कि 1/12 होता है 8.33%। अब इसके बेस पर भी थोड़ी सी मैनिपुलेशन देख लेते हैं। 1/12 है अगर 8.33%, सो 5/12 क्या हो जाएगा, बस 5 × 1/12 करना था, मतलब 5 × 8.33, और 5 × 8.33 होता है 41.66%। सिमिलरली 7/12 हो जाएगा 58.31%, 10/12 हो जाएगा 83.33%, 11/12 हो जाएगा 91.66%। सो बेसिकली यहां पर मैंने देखा कि मैंने सिर्फ ये 10 फ्रैक्शंस याद करे जिनको याद करना बहुत आसान था, और इन 10 फ्रैक्शंस के बेस पर मैंने अनलिमिटेड नंबर ऑफ मैनिपुलेशन कर दी। सो अब मुझे यही याद रखना है कि मुझे ये याद करके मुझे कोई भी फ्रैक्शन पूछे मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकूं। सो गाइस अब सपोज करते हैं मुझे 9/8 को कन्वर्ट करना था इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। सो ये कैसे कर सकते हैं, 9/8 था मेरे पास, 1/8 को तो मैं 12.50% लिख सकता हूं, ये मुझे याद है। सो 9/8 को क्या लिख सकता हूं, 9 × 12.50%, दैट विल बी इक्वल्स टू 112.50%। सो मैंने देखा मुझे 1/8 याद था, 9/8 आपने मुझसे पूछा और मैंने जल्दी से बता दिया थोड़ा सा कैलकुलेट करके कि ये होगा इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज 112.50%। 9/8 को आप 1 + 1/8 भी लिख सकते हैं, 1 होता है आपका 1/1, सो 9/8 को आप लिख सकते हैं 1/1 + 1/8। 1/1 या फिर 1 इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या होता है, 100%। 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 12.50%, बीच में था प्लस साइन, सो 100% प्लस 12.50% हो जाएगा 112.50%। ये तो यही आया जो यहां पर था, तो यहां पर मैंने देखा मैं इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकता हूं। 9/8 था मेरे पास, एक और तरीका देखते हैं, न्यूमरेटर था 9, इसको इन द टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 को मैंने इन द टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखने की कोशिश करी और लिख दिया न्यूमरेटर में 8+1, बिकॉज 8+1 भी 9 होता है, सो 9/8 को लिख सकता था 8+1/8, 8+1/8 इसको अब सेपरेट आउट कर देते हैं, 8/8 + 1/8, 8/8 तो हो गया 1, सो 1 + 1/8 लिख सकता हूं, 1 को क्या लिख सकता हूं 100%, 1/8 को क्या लिख सकता हूं 12.50%, सो 1 + 1/8 क्या हो जाएगा 112.50%। सो ये तो मैनिपुलेशन के बस वेज है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको फ्रैक्शंस याद करने हैं इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज अप टू 30, और उसके बाद आप डिफरेंट मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, 10/8, 10/8 था, 1/8 को आप 12.50% लिख सकते हैं, सो 10/8 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 12.50%, 10 × 12.50% मतलब क्या हो जाएगा 125%, बस डेसिमल शिफ्ट कर दिया। 10/8 को एक और तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म में एक्सपेंड कर देते हैं, सो 10 हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर 8 + 2/8, 8 + 2/8 को सेपरेट आउट कर देते हैं, दैट इज 8/8 + 2/8, 8/8 हो जाएगा 1, सो हो जाएगा ये 1 + 2/8, या फिर 1 + 1/4, 1 इन द टर्म ऑफ परसेंट होता है 100%, 1/4 इन द टर्म्स ऑफ परसेंट होता है 25%, सो 100 + 25% विल बी इक्वल टू 125%। सो ये तो वही आया जो यहां पर आया था, सो 10/8 को मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 125%। अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये हमारी परसेंटेज कैलकुलेशंस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं 9/8 था 112.50%। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ यू इंक्रीज द न्यूमरेटर बाय 0 देन इंक्रीज द डेसिमल प्लेस, इफ यू इंक्रीज द डिनोमिनेटर बाय 0 देन डिक्रीज द डेसिमल प्लेस। फॉर एग्जाम्पल 9/8 112.50% था, अगर आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में एक जीरो ऐड कर देते हैं, मतलब 9/8 को 90/8 बना देते हैं, तो ये जो परसेंटेज था ना इसके अंदर जो डेसिमल था वो भी एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 112.50% हो जाएगा कन्वर्ट 112.50% में। और अगर आप 9/8
के अंदर डिनोमिनेटर में एक जीरो जोड़ देते हैं, मतलब 9/8 को बना देते हैं 9/80। सो जो डेसिमल था इसमें 112.50% में, इसमें डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 112.50% बन जाएगा आपका 11.250%। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एक एग्जांपल करते हैं, इसको आप करेंगे 27/250 को कन्वर्ट कर दो परसेंटेज के अंदर। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो, नाउ यू कैन कंटिन्यू। मुझे कन्वर्ट करना था 27/250 को परसेंटेज के अंदर। मुझे पता है 25 इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ये मैंने याद करा था। क्या था, 1/4 होता है मेरा 25%। अब इसके बेसिस पे मैं जल्दी से कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं बिना डिवाइड करे कि क्या मैं इस फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। मुझे पता है 1/4 होता है 25%। क्रॉस एक्सचेंज कर देते हैं, 25 को यहां ले आते हैं, 4 को यहां भेज देते हैं। सो 1/25 क्या हो जाएगा, 4%। मुझे याद था 1/4 25% है, मैंने क्रॉस एक्सचेंज कर दिया तो 1/25 हो जाएगा 4%। मुझे पूछा क्या था, 27/250, मतलब 27 × 1/250, 27 × 1/250। 1/25 को मैं 4% लिख सकता हूं। अब मैं डिनोमिनेटर को एक जीरो से ही तो बढ़ा रहा हूं, मतलब 25 को 250 बना रहा हूं, तो मेरा डेसिमल कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। सो 4% कन्वर्ट हो जाएगा 0.4% में। सो मुझे पता है 27/250 को लिख सकता था मैं 27 × 1/250, 1/250 को मैं लिख सकता था 0.4%। सो 27/250 को क्या लिख सकता हूं, 27 × 0.4%। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 10.80%। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे हमारा मेन टॉपिक, दैट इज लर्निंग द फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल कन्वर्जन इनटू परसेंटेज अप टू 30। और ये आज की वीडियो के लिए आपका होमवर्क है कि आपको 1/1 से लेकर 1/30 तक के रेसिप्रोकल्स इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस याद करने हैं। याद करने का पैटर्न मैं अब आपको बता देता हूं। पहले बात कर लेते हैं थोड़े से फ्रैक्शन की जो हमें याद होने ही चाहिए। 1/1 सबको ही पता होता है कि 100% है। 1/2 भी याद हो जाता है, सिर्फ 100% को 2 से डिवाइड करना था तो आ गया 1/2 = 50%। 1/3 भी याद रहता है, 100% को 3 से डिवाइड करना था 33.33%। 100% को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा 20%, एंड 100% को 4 से डिवाइड कर देंगे सो 1/4 हो जाएगा 25%। सो बेसिकली 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 तो हमको ऐसे ही याद रहते हैं इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 1/10 भी याद रहता है हमको, 1/10 होता है 10%। इससे आसान कोई कन्वर्जन तो हो ही नहीं सकता। 100 को 10 पार्ट में बांटना था तो वो 10 पार्ट कौन से होंगे, 10 के। सो 1/10 तो होता ही 10% है। 1/20 होता है 5%, ये कैसे निकला, आपको पता था 1/5 = 20% है। क्रॉस एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं, 20 को यहां लेके जा रहे हैं, 5 को यहां लेके जा रहे हैं। सो आपका हो जाएगा 1/20 = 5%। 1/25 भी सबको याद रहता है, जब 1/4 25% है तो 1/25 कितना होगा, 4%। क्रॉस एक्सचेंज करा बस हमने। 1/30 भी सबको याद रहता है, अभी मैंने देखा था कि 1/3 तो होता है 33.33%। डिनोमिनेटर को एक जीरो से बढ़ा दिया, मतलब 3 का कर दिया 30, तो डेसिमल प्लेस हो जाएगा लेफ्ट में शिफ्ट। सो 33.33% हो जाएगा 3.33%। सो ये थे बेसिकली 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25, 1/30 जो हमको याद ही रखने हैं। अब थोड़ा सा रिजेंबलेंस की बात करते हैं, रिजेंबलेंस इन द सेंस 1/7 की बात करते हैं। 1/7 होता है 14.28%। ये मैंने याद रख रखा है कि 7 जो है वो 14 में कन्वर्ट हो रहा है, किसी तरीके से मुझे याद है 1/7 14 के साथ रिलेशन बना रहा है। सो 1/7 हो गया 14.28%। वैसे ही 14 भी 7 के साथ रिलेशन बना रहा है, सो 1/14 हो गया 7.14%। सो ये बेसिकली मैंने रिजेंबलेंस की फॉर्म में याद रख रखे हैं कि 1/7 7 जो है 14 से रिलेशन बना रहा है, तो 1/14 में भी 14 7 से रिलेशन बनाएगा। सो दो और याद हो गए, 1/7 14.28%, 1/14 7.14%। ऐसे ही मैंने रिजेंबलेंस के फॉर्म में याद रख रखा है 1/8 को, 8 रिलेशन बना रहा है किसी तरीके से 12 के साथ, सो 1/8 इन द फॉर्म है 12.50%। वैसे ही 1/12 भी 8 के साथ रिलेशन बना रहा है, सो 1/12 है 8.33%। ये भी एक रिजेंबलेंस कैरेक्टरिस्टिक हो गई। 1/9 होता है 11.11%, ये भी एक रिजेंबलेंस बना रहा है। सो 1/मैंने याद रख रखा है 9 11 के साथ रिलेशन बना रहा है,
सो 1/11 भी 9 के साथ रिलेशन बनाएगा, इसलिए 1/11 हो जाएगा 9.09% और 1/9 हो जाएगा 11.11%। सो बेसिकली ये छह तो मैंने रिजेंबलेंस की फॉर्म में याद रख रखे हैं। रिजेंबलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने के बाद अब मैं चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता हूँ। 1/14 मैंने लास्ट निकाला था, डेट वॉज 7.14%। सो 1/13 बच रहा था, उसमें भी 7 आ रहा है, तो मैंने यहां पर चेन की फॉर्म में याद रख लिया कि दो तो 7 के आएंगे ही आएंगे आफ्टर 1/12। सो 1/3 हो जाएगा 7.69 एंड 1/14 हो जाएगा 7.14। उसके बाद 1/15 से 6 की चेन स्टार्ट होगी और 2 तक चलेगी, दैट इज 6.66 एंड 6.25%। 1/17 से 5 की चेन स्टार्ट हो जाएगी और 3 बार चलेगी, 5.88, 5.56, 5.26। ये मैंने बार बार याद रख रखा है, 5.88, 5.56, 5.26। 1/20 में याद रख चुका था। इस चेन फॉर्मेशन के बाद मुझे तीन फ्रैक्शंस हमेशा याद रखने ही रखने हैं, दैट इज 1/6, 1/21 एंड 1/26। 1/6 होता है 16.66%, 1/21 होता है 4.76% एंड 1/26 होता है 3.85%। सो अब मैंने चेन के बाद ये स्टार वाले भी याद रख लिए। अब 1/21 से स्टार्ट करते हैं, 4.76 था परसेंट, तो अब चेन चलेगी 4 की ही, सो 4.55 आ जाएगा, 4.35, 4.17, जब तक कि 4 नहीं आता। तो 3 बार मैंने 4 और लिख दिया। उसके बाद मैंने 1/26 याद रख रखा था, दैट इज 3.85%। सो अब चेन चलेगी 3 की, जब तक कि 1/13 आ जाए, तो एक हो गया 3.70, 3.57, 3.45। सो आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए आपका इन फ्रैक्शंस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप अगले लेक्चर्स के कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाएंगे। और हर एक वीडियो के अंदर आप वीडियो के एंड में अगले लेक्चर की डिटेल्स देख सकते हैं। जब आप वीडियोस खत्म होने के बाद एक लास्ट में आपको हमेशा हर वीडियो के एंड में पता चल जाएगा कि नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा। सो गाइस प्लीज कनेक्ट विद आवर चैनल, स्टे विद आवर चैनल एंड यू कैन रेफर दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बुक एंड ऑल्सो गो थ्रू सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बुक। नाउ आई टेक योर लीव, बाय।